हेलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 डिस्कशन करने जा रहे हैं। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का ऋषि वर्मा बुक से लिया हम लोगों ने। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन काफी कुछ, इसमें तीन क्वेश्चन एक्चुअली शामिल हैं, तो थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। कंसेप्ट काफी कुछ सीखने को मिलेगा इससे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक इंक्लाइन प्लेन है, स्मूथ सरफेस है, जो कि आगे जाके एक सर्कुलर पार्ट से ट्रैक से मिल जाता है। डायग्राम बना हुआ है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। एक पार्टिकल है जिसका मास m दिया हुआ है। इसको पहला पार्ट पूछा, कितनी स्पीड से यहां से प्रोजेक्ट करें बॉटम पॉइंट से, जिससे कि वो टॉप पॉइंट तक पहुंच पाए। अब टॉप पॉइंट यहां नहीं है, आप देखो डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा होगा, टॉप पॉइंट ट्रैक का यहां है। तो हम ये कितनी स्पीड दें इसको जिससे टॉप पॉइंट तक यहां पर रीच हो पाए, रीच यहां पे हो इसका, तो कितनी मिनिमम स्पीड दें। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है कितनी मिनिमम स्पीड दें। तो ठीक है, आगे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के देख लेंगे कितनी स्पीड दें कि वहां उस हाइट तक पहुंच पाए। करना तो ये है, अब कैसे करना है स्टेप्स हम लोग आगे अभी लिखेंगे, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि अगर जो पहले पार्ट में हमने वी नॉट मिनिमम कैलकुलेट किया है उसका डबल स्पीड दें, तब ये जब टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तो इस पे ये जो ट्रैक है कितना फोर्स लगा रहा होगा। या ऐसे भी पूछ सकते थे कि ये ट्रैक पे कितना फोर्स लगा रहा है। भाई जितना न्यूटन छोड़ लो, जितना ट्रैक इस पे लगा रहा होगा फोर्स, नॉर्मल फोर्स की बात हो रही है, उतना ये फोर्स इस पे लगा रहा होगा ट्रैक पे, नॉर्मल फोर्स की बात हो रही है। मींस यहां पे जब पहुंचेगा तो इस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा, ये हम लोग से सेकंड पार्ट में पूछा गया है। तो फर्स्ट पार्ट में जस्ट ये यहां पहुंचता है, जस्ट यहां पहुंचता है मतलब इतनी ही स्पीड दिया कि जस्ट यहां तक पहुंच जाए, मतलब यहां पे आके इसकी स्पीड जीरो हो जानी है। दूसरे पार्ट में जब हम इस जितनी स्पीड अभी दिए तो उसका डबल देंगे तो ऑब्वियसली यहां पहुंचेगा और इट विल हैव सम स्पीड एट दिस पॉइंट ऑल्सो, तो उस टाइम पे यहां पर नॉर्मल फोर्स बताना होगा। थर्ड पार्ट में फिर क्या पूछा गया? थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं कि हमने जो स्पीड यहां पे दी है v, वो पहले पार्ट में जो कैलकुलेट किया था उससे स्लाइटली ग्रेटर दिया है। अब बताइए कि ये कहां पे स्फीयर से कॉन्टैक्ट छूटेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या, ये एक नया क्वेश्चन हो गया अपने आप में। यहां से जब हमने इसको स्पीड दिया, इस पहले वाले पार्ट में जो स्पीड दिया था उससे स्लाइटली ज्यादा दिया, स्लाइटली ज्यादा दिया तो यहां तक पहुंचेगा। अब यहां पर पहुंच के वो रेस्ट में नहीं आएगा, थोड़ी सी स्पीड रह जाएगी, थोड़ी सी स्पीड जीरो से थोड़ी सी ज्यादा रह जाएगी। अब ज्यादा रह जाएगी तो आगे का फिर इसका स्लाइडिंग शुरू हो जाएगा। अब स्लाइडिंग शुरू हो जाएगा तो पूछ रहे हैं कि किस जगह पे जाके, किस पोजीशन पे जाके ये ब्लॉक यहां से कॉन्टैक्ट छूट के हवा में ऐसे गिरना शुरू कर देगा। तो ये पूछा गया कि ये एंगल फाई कितना होगा अगर ये फाई एंगल है जहां पर कॉन्टैक्ट छूटेगा। तो तीन क्वेश्चन पूछे गए इसमें, एक तरीके से एक बड़ा सा क्वेश्चन है। और एससीबी में क्या होता है, लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ग्रेजुअली लेवल जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लास्ट तक जब पहुंचते हैं ग्रेजुअली लेवल बढ़ता चला जाता है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कशन शुरू करते हैं, इसे क्वेश्चन के थ्रू आप काफी कुछ सीखने वाले हो। तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो आपने ऑलरेडी क्वेश्चन देख लिया है, इसको इरेज कर रहा हूं। आपके पास बुक है, आप बुक से भी देख सकते हो, तो ताकि हम लोगों को कुछ स्पेस मिल जाए। चलिए तो यहां पर इसको इरेज करते हैं। तो पहला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला पार्ट क्या करें, मान लेते हैं ये मेरा पोजीशन ए है, ये पोजीशन मेरा बी है, और जहां पे फिर थर्ड पार्ट में कॉन्टैक्ट छूटेगा वो पोजीशन सी है। तो पहला पार्ट कर रहे हैं कि कितनी स्पीड दें कि वो बी तक पहुंच जाए। बी तक जस्ट पहुंचे मतलब यहां पर आके इसकी स्पीड क्या हो जाए, जीरो। तो लिखा जाए पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, शुरू की टोटल एनर्जी सिस्टम की। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ए से बी तक जाने के रास्ते में, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया, ये शुरू की मैकेनिकल एनर्जी है बच्चों। इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, शुरू की ये एनर्जी है। अब रास्ते में एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया, रास्ते में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो फ्रिक्शन वगैरह है वो कितना वर्क किया ए से बी तक जाने में। अब ये सब कैलकुलेशन के बाद फाइनल जब वहां पे पहुंचा है तो अब कितनी एनर्जी हो जाएगी ये हम लोग बात कर लेंगे। तो शुरू में जो भी एनर्जी थी, अगर ये वर्क हो रहे हैं, पॉजिटिव वर्क हो रहे हैं, तो बाद की एनर्जी जो होगी शुरू की एनर्जी से ज्यादा आ जाएगी। अगर ये कोई वर्क नहीं हो रहा है इनका,
तो इसका मतलब शुरू की जो टोटल एनर्जी थी, बाद की टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो बी पे होगी उसके बराबर हो जाएगा। बस क्या हो रहा होगा, एक फॉर्म की एनर्जी जैसे पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, बट इसका टोटल सम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। वो कब रहेगा, इसका मतलब एनर्जी कंजर्व रहेगी, वो कब रहेगा, लेकिन जब ये दोनों टर्म क्या हो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, रास्ते में कोई भी ना वर्क कर रहे हो, जीरो जीरो आ जाए, या दोनों वर्क कर रहे हैं बट ये जितना पॉजिटिव हो ये उतना ही निगेटिव हो जाए, तो हम लोग कहेंगे एनर्जी कंजर्व है। एनर्जी कंजर्व है तो बस क्या हुआ होगा, एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। जैसे इस केस में ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, तो काइनेटिक एनर्जी कम होकर वी स्पीड था, जीरो स्पीड हो गया होगा। ठीक है, अब एक एक स्टेप को लिखते हैं, एक एक टर्म की क्या वैल्यू है इसको लिखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को ना थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधे कह दोगे कि यहां पे ये दोनों वर्क जीरो होने वाले हैं, तो आप कह दोगे कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। बट अगर उस लेवल की अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है तो पूरा एक एक टर्म लिखते हैं, जिससे कि अगर किसी क्वेश्चन में ये दोनों रहे तो छूट ना जाए गलती से। एनर्जी कंजर्व हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखना पड़ेगा, एनर्जी कब कंजर्व होगा, जब ये दोनों नहीं वर्क जीरो होंगे वर्क, या होंगे तो एक पॉजिटिव होगा एक उतना ही निगेटिव होगा, टोटली मिलकर जीरो होंगे, तब हम लोग कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। तो ये कंसेप्ट की बात हो गई, इसके लिए आप इससे रिलेटेड कंसेप्ट वीडियो भी आप रेफर करना और वो लिंक में मैं दे दूंगा। तो अभी इस क्वेश्चन के डिस्कशन में आते हैं, तो पहला पोटेंशियल एनर्जी, अब जब भी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं हम लोग को रेफरेंस लेना पड़ता है, ये भी आप कल से वीडियो में देखोगे आपको आता होगा, ऑलरेडी आप रेफर किए होगे तभी इस क्वेश्चन तक यहां पहुंचे हो। तो कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो एज्यूम कर लेते हैं, लेट से हमने इस लेवल पे ग्राउंड के लेवल पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है एज ए रेफरेंस, मीन्स ब्लॉक जब यहां पे है शुरू में तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो हाफ एम वी नॉट मिनिमम जो हमसे पूछा गया स्क्वायर हो गया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अब यहां पे जब रास्ते में जा रहा है ए से बी तक में तो कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अब एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो जब ये रास्ते में है तो आप देखो एमजी फोर्स लग रहा है और नॉर्मल फोर्स लग रहा है, यही दो फोर्स लग रहा है। एमजी फोर्स एक्सटर्नल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, यहां पे देखो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो बेसिकली क्या होगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय एमजी फोर्स। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया तो एमजी फोर्स के वर्क डन को हम लोग इंक्लूड कर चुके हैं। तो अगर आपने दोबारा एमजी फोर्स का वर्क डन लिखा, इसका मतलब दो चीजें आप लिख रहे होंगे। इसके लिए भी आप, मैं कहूंगा कल से वीडियो में जाना, वर्क एनर्जी थ्योरम जो एक्सप्लेन किया है मैंने उसको आप रेफर कीजिएगा, कि अगर ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज अगर लिख रहे हो तो आप जो भी सिस्टम है उसके कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स के वर्क डन को आप इंक्लूड कर रहे हो। जैसे यहां पे अर्थ को हम लोग सिस्टम का पार्ट ले रहे हैं तो ये अर्थ जितना इस पे एमजी लगाएगा, ये ब्लॉक अर्थ पे उतना एमजी फोर्स लगाएगा, इस एमजी फोर्स का वर्क डन विल बी द चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी माइनस साइन के साथ में। तो वो यहां पे इस इक्वेशन में वर्क डन पे एमजी फोर्स भी आना था, उसकी जगह पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ऑलरेडी हम लोग लिख ले रहे हैं, तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। डिटेल के लिए आप एक बार कंसेप्ट वीडियो जरूर रेफर कीजिए। तो एमजी फोर्स यहां पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स। बट नॉर्मल फोर्स का वर्क डन क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि हमेशा ये डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री एंगल पे है, वेलोसिटी से 90 डिग्री एंगल पे है, तो ये वर्क डन जीरो आ जाएगा, कोई वर्क नहीं करेगा नॉर्मल फोर्स। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं हो रहा है, नॉन कंजर्वेटिव कोई फ्रिक्शन वगैरह आता है तो कोई फ्रिक्शन फोर्स डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, तो इसका वर्क डन भी जीरो हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी एट बी, अब पोटेंशियल एनर्जी एट बी तो देखना पड़ेगा ये रेफरेंस लेवल से कितना हाइट पे है। तो रेफरेंस लेवल से कितने हाइट पे अगर हम ये देखें तो ये हाइट, यहां तक का हाइट तो हमें पता है, ये लेंथ एल था, ये थीटा है, ये थीटा दिया है, तो ये लेंथ हो गया एल साइन थीटा। अब टॉप पॉइंट पे पहुंचने में इसने इतना हाइट और राइज किया है, ये इतना हाइट, तो इस हाइट को भी हमको देखना पड़ेगा कि ये एडिशनल हाइट मेरी कितनी बन रही है। अब कितनी बन रही है कैसे कैलकुलेट करें बच्चों, तो आप देखो, तो यहां से इस डायग्राम से आप देखिए ये आर है रेडियस, ये रेडियस आर है, ये थीटा एंगल था, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, और इसको अगर मैं मिला दूं ये 90 डिग्री हुआ, तो ये लेंथ जो बनेगा वो आर आर कॉस थीटा बन जाएगा, आर कॉस थीटा, तो ये लेंथ और ये बराबर है, तो ये लेंथ कितना हो गया आर कॉस थीटा हो गया, ये कितना बच गया फिर आर पूरा रेडियस माइनस आर कॉस थीटा, देखो ये एंगल थीटा बना, तो ये हेप्टेनस हो गया, ये बेस की तरह ट्रीट हो गया इस एंगल में आर कॉस थीटा, तो ये हाइट कितनी हो गई आर माइनस
आर कॉस थीटा। तो टोटल हाइट ये कितना राइज किया है रेफरेंस लेवल से ऊपर, तो वो राइज किया है एल साइन थीटा यहां तक, प्लस यहां से यहां तक सर्कुलर पाथ में जो मूव किया है कर्व सरफेस पे, वो कितना हाइट हुआ है, तो आर माइनस आर कॉस थीटा। आप देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, थीटा 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा ये टैंजेंट है, ये रेडियल लाइन है, तो आपस में 90 डिग्री पे होंगे, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, फिर 90 माइनस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस हो गया, रेडियस है, तो ये लेंथ हो गया आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा टोटल आर था, इसमें से माइनस हुआ, तो ये आर माइनस आर कॉस थीटा। तो रेफरेंस लेवल से इतना हाइट ऊपर चला गया, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर यहां पे जीरो थी तो इतने हाइट पे क्या हो जाएगी, एम जी ब्रैकेट में ये हाइट लिख देते हैं एल साइन थीटा प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा, इतनी हाइट तक चला गया, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये बनेगी बी पॉइंट पे। काइनेटिक एनर्जी एट बी जो कि जस्ट पहुंचा है, यहां पे हम लोग से पूछा है मिनिमम स्पीड जिससे वो बी पे जस्ट पहुंच जाए, जस्ट पहुंच जाए मतलब वहां पे आके उसकी स्पीड जीरो हो जाए, वहां आके रुक जाए, वही मिनिमम स्पीड है, इससे ज्यादा देंगे तो आगे भी निकल जाएगा, तो हमसे मिनिमम पूछा है तो हमने जस्ट पहुंचा दिया, चलो भाई यहां तक पहुंच जाए बस, तो यहां तक पहुंच जाए तो इसका मतलब स्पीड जीरो हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे जीरो, जस्ट पहुंचा दिया हमने बी तक, इतनी स्पीड इसको बॉटम पॉइंट पे दिया कि वहां तक जस्ट पहुंच गया वो। अब यहां से आप कैलकुलेट कर लो, जो भी आएगा वो आपके पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा वी नॉट मिनिमम। तो यहां से आप देखो एम और एन खत्म हो जाएंगे, टू सेट गया, तो टू जी ब्रैकेट में एल साइन थीटा प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा, ये बना, और ये वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू होगी, अंडर रूट कर देंगे, ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। तो पहले पार्ट का ये आंसर होगा कि कितनी मिनिमम स्पीड देनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो बच्चे आते हैं डाउट लेके, जो वो गलती कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो ये इंक्लाइन सरफेस है ना, उसी को टॉप में मान लेते हैं, बस एल साइन थीटा लिखते हैं यहां पे कि एल साइन थीटा ऊपर उठा है, जबकि ये हाइट को वो नहीं देख पाते, नहीं इसमें जो है उनको समझ में आता, उनको लगता है कि ये पूरा यहां तक पहुंचा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो, अगर सही से डायग्राम बनाओगे तो आपको क्लियर पता चलेगा। तो ये करेक्शन करते ही फिर तो कुछ नहीं रहेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया आपने। तो दिस इज पार्ट वन। अब आते हैं पार्ट टू के सोल्यूशन में। पार्ट टू में क्या बोला गया है, पार्ट टू में बोला गया है कि अगर मैं जो अभी हमने स्पीड कैलकुलेट किया इसका डबल स्पीड करूं, अब इसका डबल स्पीड करूं तब ये बी पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो इस पे ट्रैक कितना फोर्स लगाएगा। अब बी पॉइंट पे पहुंचेगा, मैं थोड़ा इसके लिए एक अलग डायग्राम बनाता हूं। ये बी पॉइंट पे जब ये ब्लॉक पहुंचेगा तब क्या हो रहा होगा, जब इसका डबल स्पीड से फेंकेंगे तो यहां पे आके इसके इसके पास स्पीड होगी कुछ, v एट b कुछ होगा, और फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे, तो एक फोर्स लग रहा है mg जो कि अर्थ लगा रहा है, और दूसरा फोर्स जो ट्रैक इस पे लगा रहा है नॉर्मल फोर्स, और यही हम लोग को बताना होगा। अब हम लोग सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं कि यहां पर इसका पाथ सर्कुलर ट्रैक का एक पॉइंट है, तो सर्कल में अगर मूव कर रहा है तो देयर मस्ट बी सम फोर्स टुवर्ड द सेंटर विच विल प्रोवाइड द रेडियल एक्सेलरेशन। तो मैं लिखूंगा एट पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है, तो एट पॉइंट बी क्या लिखूंगा मैं, तो लिखूंगा टुवर्ड द सेंटर कितना फोर्स, एम जी माइनस एम बी, इसको एम बी कह देता हूं, जो ट्रैक ने बी पॉइंट पे लगाया होगा ब्लॉक पे। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर तो ये बना एम जी माइनस एम बी, वो हो जाएगा मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन, तो v स्क्वायर बाई आर, रेडियल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाई आर, आप एक सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं इसको, तो यहां पे वी बी स्क्वायर बाई आर। तो यहां से mb की वैल्यू आएगी, जो ट्रैक ब्लॉक पे लगा रहा होगा नॉर्मल फोर्स, वो कितना आ जाएगा, mg माइनस एम वी बी स्क्वायर बाई आर। बट ये निकालने के लिए कि ट्रैक में कितना फोर्स लगाया, ये निकालने के लिए पहले आपको vb पता होना चाहिए कि यहां पे स्पीड कितनी आ रही है, अगर स्पीड पता होगा तब ये mb इस तरीके से निकल जाएगा जो हम लोग से पूछा गया है। तो इसका मतलब टू गेट दिस vb फर्स्ट वी टू गेट दिस mb फर्स्ट वी नीड टू फाइंड vb कि यहां पे स्पीड कितनी आएगी। अब उसके लिए क्या करें, अगेन यहां से फेंका, अभी जो पहले पार्ट में v नॉट आया था उसके डबल स्पीड से फेंका, और यहां पे स्पीड पूछा जाएगा। तो फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं सेकेंड पार्ट में vb निकालने के लिए, तो u एट a प्लस k एट a प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट a से b तक जाने के रास्ते में, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव a से b तक जाने के रास्ते में, u एट b प्लस k एट b।
एनर्जी का हिसाब करना, सिंपल बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, इंटरेस्टिंग है, बस एनर्जी का हिसाब किताब करना है आपको। तो शुरू की पोटेंशियल एनर्जी जीरो, शुरू की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इंटू टू वी नॉट, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था उसका ट्वाइस स्पीड है तो उसका स्क्वायर, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिस्कशन हुआ है जीरो, कोई फ्रिक्शन का वर्क डन नहीं है। यू एट बी, जब वो बी पे पहुंच रहा है तो अगेन वही पोटेंशियल एनर्जी उतना हाई राइज किया तो फिर से वही वैल्यू लिख ले रहा हूं कितना, तो एम जी ब्रैकेट में एल साइन थीटा प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो पहले केस में तो उतना ही हाइट उठा है, प्लस काइनेटिक एनर्जी, इस बार काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर, ये वी बी निकालना है। अब यहां से इस वी बी की वैल्यू आ जाएगी और इसमें पुट कर देंगे, यू विल गेट एन बी, तो बस कैलकुलेशन रहेगा, फिजिक्स पार्ट सॉल्व हो गया है। तो यहां पे आप निकालो अगर वी बी की वैल्यू, तो कोई बड़ा लेंदी सा एक्सप्रेशन लिखने पड़ रहे हैं, बट फिजिक्स इतना ही था। पहले ये देखा हमने कि एन बी आएगा कैसे, तो सर्कुलर कंसिडरेशन से एम जी माइनस एन बी इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर बाई आर, तो एन बी आने के लिए वी बी आना चाहिए। वी बी अब कैसे निकालें, तो यहां की स्पीड पहले हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है, कह रहा है उसका डबल स्पीड से फेंक रहे हैं, तब यहां की स्पीड निकालनी है, तो एनर्जी कंसिडरेशन से वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालने जा रहे हैं, तो वी बी निकाल के इसमें पुट कर देंगे, यू विल गेट द एन बी, तब बस कैलकुलेशन लगे, तो कैलकुलेशन किया जाए। चलो थोड़ा सा बड़ा सा एक्सप्रेशन बन रहे हैं, ठीक है करते हैं, लेकिन ये फोर हो गया, वी नॉट मिनिमम हम लोगों का ये आया था, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू जी एल साइन थीटा प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा, ये बना इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देते हैं तो माइनस एम जी ये एल साइन थीटा प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हाफ एम वी बी स्क्वायर रह गया। तो यहां से ये टू से ये आपका टू, तो ये फोर एम जी दिस माइनस एम जी दिस, तो ये बन जाएगा थ्री एम जी एल साइन थीटा प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। यहां से वी बी की वैल्यू आ रही है कि चलो वी बी स्क्वायर ही हमें चाहिए, तो वी बी स्क्वायर की वैल्यू आ जा रही है, कितनी आ जा रही है, तो टू इधर चला गया सिक्स, एम एम खत्म हो जा रहे हैं, तो सिक्स जी ब्रैकेट में एल साइन थीटा प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा, ये आ गया वी बी स्क्वायर। अभी इस वी बी स्क्वायर की वैल्यू को यहां पे पुट करने वाले हैं हम लोग एम बी की वैल्यू आने के लिए, तो अगर इसको हम लोग पुट करें तो देखें क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, फाइनल आंसर निकालते हैं। इस पार्ट को अब मैं इरेज कर दे रहा हूं, ऑलरेडी आपने समझ लिया इसको। अब देखिए वी बी स्क्वायर की वैल्यू लिख रहे हैं, इस वाले एक्सप्रेशन में डाल रहे हैं, तो क्या आने वाला है, एन बी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम बाई आर, वी बी स्क्वायर की जगह ये 6g l sin थीटा माइनस r सॉरी प्लस r माइनस r cos थीटा, ठीक है। तो अगर आप यहां पे छोड़ दो तो ये आपका आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर। तो आपने ये सेकेंड पार्ट सॉल्व किया, बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब आते हैं थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट अपने आप में एक नया क्वेश्चन है, इसको भी सीखने की जरूरत है, कंसेप्ट वीडियोस में मैंने इस क्वेश्चन को अलग से डालूंगा, मैं केवल यही थर्ड पार्ट उसमें एक्सप्लेन करूंगा, यहां पे भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है कि अगर मैं स्पीड वी नॉट मिनिमम ही दूं जो पहले पार्ट में दिया था, जिसके करस्पॉन्डिंग क्या हुआ था, जस्ट ये यहां पहुंचा था, यहां पर पहुंच के स्पीड जीरो थी। अब थर्ड पार्ट में कह रहा है कि अगर इससे थोड़ा सा ज्यादा दूं, थोड़ा सा ज्यादा दूंगा तो यहां पे पहुंचेगा स्पीड, लेकिन जीरो से स्लाइटली ज्यादा होगा, निग्लिजिबल होगा वैल्यू वो, बट स्लाइटली ज्यादा होगा, मतलब यहां रुकेगा नहीं, अब यहां से वो स्लाइड करने लगेगा, हालांकि हम उसकी स्पीड को जीरो लेके ही आगे चलेंगे क्योंकि वो जीरो से स्लाइटली थोड़ा सा बढ़ा है, बट उसका काम क्या होगा, हल्का सा यह आगे बढ़ जाएगा और स्लाइड करना शुरू करेगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि किस एंगल पे वो जाने के बाद कॉन्टैक्ट छोड़ेगा, यह नया क्वेश्चन बनाते रहे, ठीक है। तो अब इसको थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, थर्ड पार्ट सॉल्व किया जाए।
थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इज फेयर। यहां से अब हम लोग को यह पता चल गया है कि पहले पार्ट से जो स्पीड थी उससे थोड़ा सा ज्यादा देंगे तो यहां पहुंचेगा, और जस्ट पहुंचेगा, पहुंच के थोड़ा सा स्लाइटली हल्के सी वैल्यू स्पीड ज्यादा रहेगी, जीरो नहीं हो पाएगी एग्जैक्टली, यहां रुकेगा नहीं, आगे निकल जाएगा, बट वो निग्लेजिबल स्पीड से यहां से स्टार्ट हुआ होगा, इसको हम लोग जीरो लेके चल सकते हैं। यहां पे कहीं पहुंच रहा है और पूछा जा रहा है कि कितने एंगल पे जाके ये कॉन्टैक्ट लूज करेगा, ये भी पूछ सकते थे। अच्छा, इसको थीटा नहीं लेते, थीटा यहां पे ले रखा है, इसको कुछ फाई कह देते हैं। ये भी पूछ सकते थे कि यहां पे आके इसकी स्पीड कितनी होगी जब वो कॉन्टैक्ट छोड़ेगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि कितनी स्पीड भी होगी ये बता दो भाई। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां से ऑलमोस्ट ये जीरो स्पीड से स्टार्ट किया, ठीक है ना, बस इसका काम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यहां पे जो हमने स्पीड इस वाले वैल्यू को दिए होते तो ये जस्ट यहां पहुंचता, इससे स्लाइटली ज्यादा दिया तो स्लाइटली यहां पे ज्यादा होगी, नेग्लिजिबल ज्यादा होगी, बट उसका काम होगा वो आगे स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो यही रोल प्ले किया, बस इसने यहां स्लाइड करना शुरू किया, यहां से यहां आ रहा है। अब कॉन्टैक्ट छोड़ने की बात आ रही है, तो पहले मैं आपसे पूछूं पाथ कैसा हो रहा है, आपको कहोगे सर्कुलर हो रहा है सर, आगे यहां पे सर्कुलर पाथ है। अब सर्कुलर पाथ है तो आपको पता है कि एक इक्वेशन तो आपके हमेशा काम आने वाला, जब भी सर्कुलर आपको दिखे तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन, और रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर, तो एक इक्वेशन तो आपके काम आने वाला। तो यहां पर भी देखते हैं, लास्ट पॉइंट जहां पर कॉन्टैक्ट छूट रहा है एफबीडी बनाते हैं, एमजी फोर्स लग रहा है और ट्रैक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, इस एमजी को कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर ये बन जाएगा mg, ये phi है तो ये phi एंगल आया mg cos phi, और टेंजेंट के अलोंग आया mg sin phi। तो टुवर्ड्स द सेंटर आपने इक्वेशन लिखो mg cos phi माइनस n इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन इसका रेडियस r, v कहां का, तो इस पोजीशन का जिस पोजीशन पे हम लोग लिख रहे हैं। अब यहां पे कॉन्टैक्ट छूट रहा है, कॉन्टैक्ट छूट रहा है मतलब नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हर एंगल पे ये जो है वैलिड है, बस फाई बदल रहा होगा, नॉर्मल बदल रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जहां पे कॉन्टैक्ट छूट रहा है नॉर्मल की वैल्यू जीरो, यही एंगल, इसी के करस्पॉन्डिंग हमको एंगल फाई निकालना है। तो एक इक्वेशन मेरा यहां से बन गया, ये स्पीड यहां की स्पीड है, इस पोजिशन की स्पीड जिस जगह पर यह इक्वेशन लिखा गया है, नॉर्मल जीरो हो रहा है तो यहां की स्पीड है। बट ये फाइव तब आ पाता जब यहां के हमको स्पीड पता होती, तो अभी वी भी नहीं पता, फाइव भी नहीं पता, एक इक्वेशन है लेकिन दो अननोन है, वी नीड वन मोर इक्वेशन। वन मोर इक्वेशन कहां से आएगा भाई, तो हम लोग एनर्जी कंसिडरेशन से, यहां और इनिशियल यहां पे एनर्जी कंसिडरेशन से काम कर सकते हैं, बता सकते हैं यहां पर स्पीड ऑलमोस्ट जीरो थी, जीरो से स्लाइटली ज्यादा, तो कैलकुलेशन में वो कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा वो वैल्यू, तो ऑलमोस्ट जीरो लेके चल रहे हैं। तो U at B, इसको मैंने B पोजीशन कहा था और इसको मैंने C पोजीशन वहां पे कहा था शुरू में। तो आप एनर्जी U at B प्लस K at B, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी B पे, प्लस अब B से C आ रहे हैं तो एक्सटर्नल एजेंट, B से C में कितना वर्क कर रहा है, कोई फ्रिक्शन वगैरह अगर होगा तो उसको भी देखने पड़ेगा, वो B से C तक में कितना वर्क कर रहा है। देखो मैं स्टेप लिख रहा हूं, मुझे पता है इन दोनों के वर्क डन क्या है, जीरो, आपको भी अब पता है, बट लिखने की हैबिट की अगर किसी क्वेश्चन में ये रहा तो मिस ना हो जाए। फिर U एट C प्लस K एट C, ये लिख दिया। अब क्या हुआ, अब इसमें वैल्यूज डालें तो आप पोटेंशियल एनर्जी का नया रेफरेंस ले लो कि चलो भाई अब इस, क्योंकि हम लोग को क्या बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, रेफरेंस मैं कहीं पे भी लूंगा चेंज विल बी सेम, हाइट का डिफरेंस तो बस आना है पिक्चर में, है ना, UB माइनस UC अगर आप इधर देखो तो हाइट का डिफरेंस आना है पिक्चर में, तो रेफरेंस कहीं पे भी लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइट का डिफरेंस पे ही डिपेंडेंट आएगा। तो इसके लिए भी आप चाहो तो आप रेफरेंस वीडियो, कौन से वीडियो आप रेफर करोगे अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हो। वैसे मैं मान रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन तक पहुंचे हो तो आपको ये सारी चीजें आती हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी मान लिया कि ये यहां पे इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है एज ए रेफरेंस। जब भी आप ये इक्वेशन लिखते हो आप अपना एक रेफरेंस उस टाइम में डिसाइड कर सकते हो, कहीं पे भी मानोगे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है जो कि इनिशियल और फाइनल में हाइट के डिफरेंस पे डिपेंडेंट है। तो U एट B कितना हो जाएगा, वैल्यूज अगर देखें तो B पे जीरो बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। K एट B जस्ट यहां स्टार्ट किया था स्लाइड करना तो जीरो हो गया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट कौन सा फोर्स है,
नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं जो रास्ते में, बट उनका वर्क डन क्या होगा, जीरो, क्योंकि वो हमेशा वेलोसिटी से 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं। हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं बात करूं, नॉर्मल और छोटे डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो यहां से तक ओवरऑल हर टाइम पे 90 डिग्री बन रहा होगा, तो हर छोटे डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन जीरो आ रहा होगा, तो यहां से तक टोटल वर्क डन जीरो आ जाएगा। तो कोई नॉर्मल फोर्स ने वर्क नहीं किया है। नॉर्मल फोर्स Mg, पहले भी डिस्कशन किया कि Mg को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स नहीं इंटरनल फोर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, अर्थ सिस्टम का पार्ट ले रहे हैं, अगर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का टर्म लिखा है इसमें, तो अगर ये नहीं लिखते तो Mg का वर्कडन निकालते। Mg का वर्कडन ही बेसिकली निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। वर्कडन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कोई फ्रिक्शन है नहीं तो ये जीरो हो गया। यू एट सी, सी पे पोटेंशियल एनर्जी, अब यहां पर रेफरेंस जीरो है तो ये देख लेते हैं कितना नीचे आया, तो ये R था टोटल और यहां से ये R है फाइव एंगल, तो ये R cos phi बना, तो ये बन जाएगा R माइनस R cos phi, तो ये कितना नीचे आया उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी माइनस Mg, और जितना नीचे आया है R माइनस R cos phi, ये पोटेंशियल एनर्जी एट सी हो गया। काइनेटिक एनर्जी एट सी हाफ एम वी स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। तो इसको पहला इक्वेशन गया था, इसको दूसरा इक्वेशन गया फ्रॉम वन एंड टू, नाउ फ्रॉम वन एंड टू, अब वन एंड टू से सॉल्व करना रह गया है, तो क्या करें, एम जी कॉस फाइ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एम बाई आर और वी स्क्वायर से यहां से वैल्यू ले लेते हैं, तो वी स्क्वायर की यहां से वैल्यू हो जाएगी, ये इधर चला जाएगा टू एम जी आर वन माइनस कॉस फाइ, एम खत्म कर देते हैं हर यहां पे, और mg cos phi इक्वल टू m बाई आर वी स्क्वायर, तो मल्टीप्लीकेशन था ये, r से r खत्म हो गया, तो ये आ जा रहा है g से g खत कैंसिल हो गया, तो cos phi इज इक्वल टू 2 माइनस 2 cos phi, तो 2 cos phi इधर आ गया तो 3 cos phi हो जाएगा, और cos phi की वैल्यू 2 बाई 3 आ जाएगी। दिस इंप्लाइज phi is equal to cos inverse 2 by 3. This is the answer. Third part. कि इतने एंगल पे आके ये अब कॉन्टैक्ट छोड़ देगा, नॉर्मल जीरो हो जाएगा। तो ये तीन पार्ट पूछे थे, काफी डिटेल में डिस्कशन किया है। आई होप कि सारे बच्चों के समझ में आया होगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ा होगा, वीडियो थोड़ा बड़ा बना, क्योंकि हर चीज को जो छोटी छोटी बारीकियां थी क्वेश्चन सॉल्व करने में सबको जो है एक्सप्लेन कर रहा था, मैं जस्ट सोल्यूशन नहीं दे रहा था। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि यहां पे क्या स्पीड होगी, तो आप फाई की वैल्यू यहां पे रख दो, वी भी आ जाएगा, बट इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया तो हम लोग कैलकुलेट नहीं करने जा रहे हैं। तो बच्चों ये पूरा डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 62। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप कि इससे आपने इस क्वेश्चन के थ्रू काफी कुछ समझा होगा, सीखा होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।